सो मेट्रो स्टेशन रेलवे स्टेशन ना इधर देख, मास्क हटा ना सर, कहाँ गए? हमको सीट मिल गया जो आने वाला है। सो गाइज, ये है रास्ता वहाँ से आने का। ये रहा हमारा कॉलेज NIP, न्यू सरोज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। ये रहा बोर्ड, सामने झाड़ है, बोर्ड अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा बोर्ड, ये रहा इसका मेन गेट। ये हमें बेंगलुरु सिटी स्टेशन से, हमने मेट्रो लिया था और मेट्रो से हमें कुछ हाफ एन आवर्स लगा था आने के लिए। उसके बाद हम फिर ऑटो से यहाँ आए थे। जो भी है प्लेसेस के नेम वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, कहाँ से कैसे आना है क्या। ये फार्मेसी के लिए बेस्ट कॉलेज है विथ एफोर्डेबल फीस। ये है बेंगलोर में, ठीक है। इसके चेयरमैन है डॉक्टर राहुल सिंह। ये रहा इसका कॉलेज का एंट्री गेट। ये रहा कॉलेज के अंदर का। ये मेरे सारे फ्रेंड्स जो कि फर्स्ट ईयर पे आए हैं। हम लोग का सब लगेज, क्योंकि हम लोग जस्ट स्टेशन से आके तुरंत हम लोग कॉलेज देखने आ गए। रहा क्लासरूम में जाने का रास्ता, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे क्लासरूम है, उसकी भी वीडियोस मैं आगे डाल दूंगा। ये रहा सामने बोर्ड NIP का। ये रहा पूरा कॉलेज, ये ग्राउंड है बच्चों के लिए और हमारे लिए उधर है प्ले ग्राउंड है बच्चों के लिए, क्योंकि ये स्कूल कॉलेज विद स्कूल है। सो देखिए, मैं तो बोलता चलो निकलते बाहर, मालूम पड़ जाएगा कहीं। ये आप लोगों को कॉलेज का ग्राउंड दिखा दो। ये हमारे कॉलेज का दूसरा पार्ट है जो कि बच्चों के लिए था। ये यहाँ पे, यहाँ के कोई गॉड हैं, उनका मंदिर जो कि कॉलेज में है। और ये रहा इधर, इतना आइडिया नहीं है क्या है, बट आज हम लोग का भी फर्स्ट डे है, धीरे धीरे पता चल जाएगा किधर क्या है। मैं तब लोगों क्लासरूम्स के भी वीडियोस शेयर कर दूँगा। ये रहा हमारा ग्राउंड जो कि देखने से तो बैडमिंटन का लग रहा है, बट अब खेलने जाएंगे तो ही पता चलेगा किस चीज़ का है। ये रहा हमारा क्रिकेट का, जो कि हम लोग डफ के क्या कहते हैं, शायद डफ ना, ठीक से मुझे पता नहीं है। और ये रहा हमारा ग्राउंड जहाँ पे कबड्डी के लिए प्लस बैडमिंटन के लिए भी रैकेट लगाया गया है। ये रहा कॉलेज का पीछे का हिस्सा, जो कि मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में यही हमारा एंट्री गेट होगा। यहाँ पर सब कुछ है, गवर्नमेंट जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़ प्लस प्लेसमेंट, सब कुछ है यहाँ पे।